पहले मैं इसको रिकॉर्डिंग पे रख लेते हैं। यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करने वाले हैं, आज आपका जो नेक्स्ट सेशन है, जैसा कि प्रसून ने एक सवाल पूछा है, तो स्पीच के आधार पे हम लोग उसको आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस संदर्भ में मैं आपको एक अपना एक PPT शेयर करने की कोशिश करता हूँ। यस, चलिए, तो इसको मैं एक बार PPT में आपको सारा PPT शेयर कर दूंगा, जब एक बार पूरी PPT का मैं लेआउट आपको बता दूंगा। तो ठीक है, तो हमारे पास जो नेटवर्क है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क जो अभी तक हमारा था, वो देख रहे थे। टेली कम्युनिकेशन क्या होता है सभी आपको मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आपका ये टेलीफोन एक्सचेंज क्या था, हमने इस पर डिस्कस किया। टेलीफोन एक्सचेंज में हमें स्पीच रूम होते हैं, ठीक है, MDF रूम होता है, ठीक है, और हमारे पास पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और आपका बैटरी रूम होता है, और आपका एक ट्रांसमिशन रूम होता है। इसी संदर्भ में मैंने आपको लोकल कॉल के बारे में डिस्कशन किया, व्हाट इज़ द लोकल कॉल, ट्रंक कॉल। ये नेटवर्क आपको समझ में आ गया होगा, इसमें अगर कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। फ़ोन हमारा जुड़ा होता है, अलग अलग बीच में जो पॉइंट्स आते हैं, जिन्हें आज आपके नई भाषा में नोड कह सकते हो, ये अलग अलग नोड्स हैं, DP, पिलर एंड कैबिनेट। इसमें कुछ नहीं है, सभी तारों का कॉम्बिनेशन इकट्ठा होता है। फाइनली जो मेन नोड एंड एक्सचेंज के पास पहुँचता है और स्विच रूम पहुंचता है। स्विच रूम डिसाइड करता है कि जिस भी कस्टमर को कॉल किया गया वो लोकल था या वो था, वो सारे के बारे में उसके हिसाब से कनेक्शन बनाता है। अगर लोकल कॉल है तो सेम एक्सचेंज में होगा, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कनेक्ट कर देगा आज की डेट में, और पूरा दूसरे एंड पे बात हो जाएगी। ट्रंक कॉल के बारे में बताया गया था कि हमारा जो ट्रंक कॉल था वो हमारा अलग अलग सेम जो सेम व्यवस्था, तो लोकल सेम ही होगी। आप एक्सचेंज के DP में जब स्विच को लगा कि भाई ये हमारे स्विच के अंदर नहीं है, हमारे जो 5 किलोमीटर का रेडियस है, जो भी वायर MDF में आए हैं उनमें से नहीं है, किसी और MDF में पॉसिबिलिटी है, तो फिर शहर के मेन एक्सचेंज में भेज देता है, जो DTACS है। DTACS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। DTACS ना केवल BSNL से, ये दूसरे उसमें भी, DTACS का नया नाम इंटरनेशनल गेटवे भी बोलते हैं, IGW बोलते हैं, दिस इज द गेटवे। तो आपके जो किताबें होती है ना, जो ट्रांसमिशन जो भी आप पढ़ते हैं, उनमें गेटवे वर्ड यूज किया होता है, ठीक है। तो नाम, मैंने कहा नाम जो है वास्तव में फील्ड में क्या है, DTACS, ठीक है। और वो जिस भी स्विच का होता है उसी शहर के दूसरे स्विच में जोड़ देता है। हमने एक शहर से दूसरे शहर के बीच में बात की थी, सेम व्यवस्था थी आपकी, लोकल स्विच ने डिसाइड किया नहीं है, जैसे हमारे शहर में DTACS है, दूसरे शहर के भी DTACS हो गया, ठीक है, उस DTACS में हमने जोड़ दिया और दे विल बी कनेक्टेड हो गया। और इस संदर्भ में मेरा एक सवाल था, जो हम बात कर रहे थे बाघा बॉर्डर, उस पर भी मैंने कल एक्सप्लेनेशन दिया, और उम्मीद करता हूँ कि अगर इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लेगा, अगर यहाँ भी पूछना चाहे तो डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। अभी आप प्रसून ने आज सवाल पूछा कि दूसरे जो कंपनी है उनका भी, भाई DTACS तो उनकी भी अपनी कंपनी का DTACS जरूर इकट्ठा करेंगे, लेकिन वो DTACS जो है हमारे DTACS से ही जुड़ते हैं, ठीक है। कैसे, ठीक है, एक तो मेन DTACS हो गया, एक शहर के अंदर DTACS होगा जो यहाँ पे, ठीक है, और ये DTACS क्या होगा, शहर के अंदर जितने भी लोकल स्विच होंगे उनसे जुड़ेंगे, ठीक है, और इसी शहर के अंदर जितने भी मोबाइल, जितने भी ट्रांसमिशन सिस्टम है उनसे जुड़ेंगे। आपके मोबाइल भी सारे, मोबाइलों का सारा स्विच इकट्ठा होगा, इन MSC बोलेंगे, मोबाइल MSC। और एक आपका 2G स्कैम के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, सुना है कि नहीं सुना, यस या नो, 2G घोटाला, 2G जी सर, जी सर सुना है, सर स्कैम क्या था वो, कुछ आइडिया है, भी एनी आइडिया, वो सुना एनी है, आइडिया, सुना ही है, मालूम नहीं है। मालूम नहीं है। चलिए देखिए, ये हमेशा से ये इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसके बारे में कहना बहुत मुश्किल होता है। चलिए देखिए क्या हुआ कि आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि लैंडलाइन में, सबसे पहले लैंडलाइन की शुरुआत हुई, लैंडलाइन में क्या था, हर एक घर से लेके एक्सचेंज तक वायर डाले गए, इसमें कोई डाउट नहीं। और समय बढ़ा, पहले लोग कम टेलीफोन रखते थे, समय बढ़ा टेलीफोन की डिमांड बढ़ने लगी। अब इतने वायर डालना, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता है, और इतना मेंटेन करना, इतनी भर्ती करना, देखिए पहले BSNL में केवल मुश्किल से 20 लाख टेलीफोन होते थे और एम्प्लाई 4 लाख होते थे, आज BSNL के पास करीब 3.5 करोड़ से ज़्यादा अलग टेलीफोन सिस्टम है, लेकिन एम्प्लाईज कितने, मुझे बिलो 80,000 के आसपास पहुंच गए, 80,000। तो ऐसा क्योंकि कंप्यूटराइज, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा उल्टा सिस्टम था, आदमी भर्ती ज़्यादा रखना पड़ता, तो पैसे, यानी पैसे का पूरा खेल पैसे का था। तो इस समस्या को दूर करने के लिए तत्कालीन जो हमारे जो मिनिस्टर थे, कम्युनिकेशन मिनिस्टर दयानिधि मारन नाम था, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, बाद में ए राजा भी आए और राम विलास पासवान भी थे, ठीक
ठीक है, तो ये हमारे मिनिस्टर थे, बहुत जल्दी जल्दी, भले क्योंकि मिनिस्ट्री जितना रेलवे डिपार्टमेंट इम्पोर्टेंट था उतना ही कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भी इम्पोर्टेंट था। तो उन्हें एक टेक्नोलॉजी बताई गई कि सर हम सबको घरों में केबल ना बिछा के टावर से जोड़ दें। टावर से जोड़ना आसान है, केबल बिछाने जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक टावर में कैपेसिटी, जैसा कि मैंने बताया, जो ट्रेडिशनल टावर है 1024, तो 1000 केबल ना बिछा के सीधा टावर से जोड़ दें। ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है, टावर वाला काम करते हैं। तो उन्होंने एक 2G वो लाया, सेम टाइम में मोबाइल भी आया, तो उन्होंने एक 2G का कॉन्सेप्ट यूज किया और उन्होंने एक टावर लगाया। टावर में अब क्या किया कि ये जो घर से लेके जोड़ने वाला था, तो ये उन्होंने टावर लगा दिया, और टावर से सारा ये हमारा जो टावर था ये हमारा जुड़ गया, जो भी लोकल आपका स्विच था, ये स्विच से, मान लो लोकल स्विच है, स्विच से जोड़ दिया, और इसका नाम रख दिया BSC। ठीक है, और इस टावर से सारे हमारे कस्टमर जुड़े। तो ये जो पहला, इसको हमने बोला CDMA टेक्नोलॉजी। इसमें जो लैंडलाइन थे, इसमें कोई सिम नहीं होते थे, जो मोबाइल फोन हमने तैयार किए उसमें कोई सिम नहीं होते थे, और इन फोन का टेलीफोन नंबर लैंडलाइन जैसा होता था। लैंडलाइन का टेलीफोन नंबर क्या होता है, नॉर्मली दिल्ली में है तो एक 2 10 डिजिट का होगा, और आप बाकी जगह है तो 9 डिजिट का आसपास होगा, और मोबाइल में ऑलरेडी आपको मालूम है 10 डिजिट सही होता है, 11 डिजिट का होता है। ठीक है, तो हमारा ये जो CDMA आपका जो फोन था, तो इसमें लैंडलाइन की जगह, जैसे कोई लैंडलाइन नंबर अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, एक लैंडलाइन नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, प्लस मान लीजिए +91 120 27 55 164, एक लैंडलाइन नंबर मैंने लिख दिया, दिस इज लैंडलाइन नंबर। इसमें क्या होता था, इस लैंडलाइन के बारे में और डिस्कस करेंगे कल। 91 कंट्री कोड हो गया, ऐसा मालूम है तो सर क्या, तो लैंडलाइन नंबर इतना होता था। तो लोगों के पास जो घरों में जो नंबर लगते थे ना, वो केवल केवल और केवल जो लास्ट के पोर्शन थे, अगर दिल्ली के अलावा कहीं और, जैसे गाजियाबाद, ये मैंने गाजियाबाद का नंबर लिखा है, तो ये जो पार्ट है उसके आधार पे पता चलता था, यानी लोग घरों में नंबर दिया जाता था। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग STD नंबर बोलते थे, यानी अगर गाजियाबाद से बाहर से कोई नंबर गाजियाबाद के मिला रहा है तो पहले 120 120 मिलाएगा, ठीक है ना, लाइक दिस, ओके। तो ठीक है, तो ये जो हमारा 2G फोन था, वो हमारा जो था वो इतना नंबर कस्टमर को दिया जाता था, यानी अगर आपके 2G मोबाइल फोन पे हैंडसेट पे बात करोगे, इसमें सिम नहीं होता था और इसका नंबर लैंडलाइन के जगह पे लैंडलाइन वाला नंबर होता था। बहुत ही सीधे शब्दों में लैंडलाइन का रिप्लेसमेंट ढूंढा गया था ये। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि उस समय सेम टाइम में, जमाना देखो चेहरे बदलते हैं, काम वही होता, इतिहास दोहराया जाता है। भाई मैं अपनी तो 40-45 साल उम्र होने जा रही है मेरी, करीब 20-22 साल की नौकरी भी हो गई, तो मेरे एक्सपीरियंस ये बताता है कि जो मैंने आपसे 20 साल पहले देखा था, सेम सिचुएशन अभी भी दोहराई गई। उस समय रिलायंस आया, रिलायंस ने मोबाइल फोन लाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और हैंडसेट बांटा, बहुत ही सुंदर सुंदर हैंडसेट बांटे, सिल्वर कलर के, आपके अलग अलग लाइटिंग के, बड़ा खुल गया, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस तरह के हैंडसेट, बड़ा अट्रैक्टिव हैंडसेट, फर्स्ट टाइम लोग इंडिया के लोग देख रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। उन्होंने कहा हैंडसेट ले जाओ, टेलीफोन नंबर ले जाओ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 2G में ही था, 2G का लाइसेंस लिया जो लैंडलाइन, ठीक है, और आपको ये नंबर दिया गया। अब इसमें हुआ क्या, कुछ मिनिस्टर्स की वजह से या कुछ पॉलिसी की वजह से आपस में कुछ घोलमाल किया गया, जिसको 2G स्कैम बोला जाता है। तो इसमें ये हुआ कि ये बंदा मान लो गाजियाबाद का है, और ये पहुंच गया वाराणसी में, इस पे उसने रोमिंग दे दी। बंदे का टेलीफोन क्या रूल था, ये बंदा कहाँ होना चाहिए था, ये गाजियाबाद के घर में होना चाहिए था, बंदे को रोमिंग दे दी, जो कि परमिशन नहीं थी, क्योंकि ये लैंडलाइन का रिप्लेसमेंट था। हमारे दिमाग में आ रहा है 120 कहाँ का होना चाहिए, गाजियाबाद का होगा नंबर, ठीक है, और वो बंदा कहाँ मिला आपको, वाराणसी में मिला, ठीक है। तो ये जब जब पकड़ा गया तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ, वो पता चला कि लाइसेंस पे किसने इसको रोमिंग, यानी मोबाइल किसने बना दिया, दिस इज नॉट मोबाइल, CDMA फोन मोबाइल फोन नहीं था, मोबाइल बना दिया गया, ठीक है, और उसी का बहुत बड़ा, उसी लोगों को बड़ा अच्छा लगा, लोगों को पता ही नहीं चला, जब तक ये बात निकली तब तक वो 2G स्कैम के नाम से आपके सामने हाजिर हो गया। ये बहुत बड़ा, और पब्लिक परेशान ना हो, इस समस्या का समाधान हुआ 3G आने पे। CDMA फोन के जितने भी नंबर थे, अगर आपने, आपके पेरेंट ने कभी लिया होंगे, देखना उसको भी मोबाइल नंबर में बदला गया, वो भी सिम बेस बनाया गया, तो 3G आते इन समस्या का समाधान किया गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम उस टाइम पे हुआ था, दैट इज वेरी हाई स्कैम आप इसको कह सकते हो। तो 2G स्कैम, और ये राजा का तो बारे में आप तो सुना ही होगा, उनका घर देखा होगा, आप गूगल पे डालेंगे तो उनका घर भी मिलेगा,
खैर अभी मैं इस बात को और थोड़ा रिपीट करूंगा, पहले मैं आपको एक छोटा सा पहले वीडियो दिखाऊँ, ये जो इस पर लिख देता हूँ सीडीएमए मोबाइल, ये जो फोन है आपका लैंडलाइन का रिप्लेसमेंट सेम लैंडलाइन वाला नंबर हो जाएगा, ठीक है। और आज भी आप देख सकते हो ना, अभी आप नंबर मिलाओ जियो का, अगर आपका नंबर हो ना अभी भी सेम लगभग कुछ मिलता जुलता है, आज भी गड़बड़, अभी आपको पता नहीं है, मिलाओगे अहमदाबाद बताएगा, बेंगलोर बताएगा, कुछ ऐसा हुआ है कभी महसूस किया किसी को मिला, बंदा बगल में बैठा दिखाता अहमदाबाद है, ऐसा भी आप महसूस कर सकते हैं। चलिए ये अब बाद में पता चलेगा क्या है, ये डिटैक्स, जैसे हमारा डिटैक्स है शहर का, ऐसे ही रिमोट डिटैक्स। अब जैसे अब प्रसून जी ने सवाल पूछा कि दूसरे तो उन कंपनी का भी डिटैक्स होगा, वो डिटैक्स भी लोकल शहर में हमसे जुड़ेंगे, एक दूसरे शहर का डिमेट होगा ही लोकल। और आज के जमाने में एक स्विच और ऐड हुआ है, और आप बता सकते हैं कि एक स्विच और कौन सा ऐड हुआ होगा? आपने लैंडलाइन देख लिए, मोबाइल के दोनों स्विच देख लिए, ठीक है, लोकल स्विच देख लिए, एक स्विच और हुआ आज के जमाने में, एक और स्विच बताइए, कुछ आइडिया? इंटरनेट का स्विच, जमाना बदल गया क्योंकि स्विच भी हमें बदलने पड़ेंगे, उसी स्विच पे काम नहीं कर सकते, दिस इज इंटरनेट स्विच, लाइनें वही हैं, स्विच बदल रहे हैं, स्विच जरूरत के हिसाब से बदला जा रहा है, ठीक है ना। लैंडलाइन के हिसाब से लैंडलाइन का स्विच लगा था मोबाइल का, और आज के जमाने में एक नया डिवाइस यूज होता है, उसके हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में, दिस इज उसका नाम हम आपको बता देते हैं, राउटर, ठीक है। आप में से राउटर कितने लोगों ने देखा है? एनीबडी नो अबाउट द राउटर? नम्रता, आपने राउटर देखा है? कहाँ कहाँ देखा, मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं? यस, ये आपने लिखा है वाईफाई में, वाईफाई राउटर देखा है, और नम्रता ने बता दिया, बाकी लोग? सर वो वाईफाई वाला राउटर। तेजस ने भी बता दिया वाईफाई। तेजस आप भी रायपुर से हैं? नहीं सर, मैं महाराष्ट्र। ओके, नहीं एनआईटी रायपुर से तो नहीं है, मॉडेम दांडे, एनआईटी रायपुर से तीन लोग हैं ना, कौन कौन लोग हैं सर? एक मैं। मैं अभी, हाँ आदिति आपने कहीं देखा है? चलिए राउटर, मैं आपको एक चीज बता दूं, राउटर जो आप घर पे देखते हैं बेसिकली वो राउटर नहीं होता, मॉडम होता है, राउटर मॉडम, राउटर वाईफाई, राउटर स्विच, राउटर शब्द उसके साथ अटैच होता है। पिछले बैच में मैंने एक एग्जांपल लिया था, वो एग्जांपल आपके बैच में भी लेता हूँ। टाइगर बिस्किट का नाम आपने सुना होगा, तो बेसिकली टाइगर बिस्किट में हम लोग बिस्किट खा रहे होते हैं, टाइगर क्या होता है, टाइगर एक तरह का ब्रांड नेम होता है, ठीक है, कंपनी का नाम होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से राउटर में, राउटर इज द जस्ट लाइक टाइगर, ये एक ब्रांड नेम है, राउटर का एक दूसरा नाम भी है मिनी सुपर कंप्यूटर, ठीक है। क्या कहो, ये कंप्यूटर के साथ क्या क्या कर सकते हो वो आप राउटर के साथ भी कर सकते हो। आज की डेट में घर में जो वाईफाई लगा है उसको हम राउटर वाईफाई बोलते हैं, राउटर नहीं होता, राउटर वाईफाई, बेसिकली वाईफाई है, राउटर की कुछ क्वालिटी उस वाईफाई के अंदर डाल दिया गया। ओरिजिनल जो राउटर्स होते हैं आज भी अगर आप खरीदने जाएं, ओरिजिनल राउटर डेफिनेटली उसकी कीमत 5 लाख से ऊपर का स्टार्टिंग होता है। तो आपका जो पूरा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका अगले 2-3 सेशन के बाद राउटर पे ही चालू होगा, उसपे हम और काफ़ी कुछ बात करेंगे। अभी मैं आपको एक अपने LTT सेंटर में जो टेलीफोन एक्सचेंज है मैं पहले उसका विजिट करके दिखाता हूँ मैं वीडियो के माध्यम से, और वीडियो आपको शेयर भी करूँगा, इसको ध्यान से देखिए। ये हमारे टेलीफोन एक्सचेंज का विजिट है, जो तक अब तक हम लोगों ने किया है उसको मैं दिखा रहा हूँ। किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो हर टेलीफोन एक्सचेंज में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच रूम होगा, एक MDF रूम होगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा, और इन सबको चलाने के लिए पावर रूम होगा। ये इसकी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने PPT भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप LTTC के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं जहाँ पे LTTC में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों के लिए दिया गया था, तो यहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप अभी हमें खड़े हैं यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर, आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने MDF रूम का बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको MDF रूम से जैसे हमने शुरू किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और सारा 1x1 तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, हमारे लेफ्ट साइड में साइड में आते हैं, ये हमारा MDF रूम है, अंदर आ जाइए।
ये एमडीएफ रूम है। एमडीएफ रूम में ये आप टैग ब्लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग ब्लॉक बोलते हैं। टैग ब्लॉक का मतलब है कि इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर। इसको ध्यान से देखेंगे पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज़ है, ये पुराने जमाने का टैग ब्लॉक है। जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था, तो आप रंग रूप पे मत जाइए। सबसे पुराने जमाने का ये टैग ब्लॉक होता था, इसमें इस तरह की वायरिंग कर देते थे। और इसी तरह से हमारा ये नए जमाने का और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा ये है। ठीक है, लेकिन सब एक ही है। इसमें क्या है, आप ध्यान से पीछे देखेंगे तो एक एक पेयर, एक एक वायर एक टेलीफोन को, एक वायर एक टेलीफोन को, ये सारे एक टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा होगा। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है, ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सब के लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है। ठीक है, आप इधर से नहीं तो 20,000 कोई भी वायरिंग करेंगे उसमें टैग ब्लॉक नंबर होता है। पेपर पेन देंगे जरा से लिख के दिखा देते हैं, ज़्यादा ये है पेन दे दीजिए। देखिए ये टैग ब्लॉक है, टैग ब्लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलाट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर मतलब एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाए कि कौन सा वायर किस में है, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा से इधर लाइए कैमरा पास में। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा टेलीफोन है 2755164। तो यहाँ पे जो भी इंच का इंचार्ज होता है, उनके पहले रजिस्टर मेंटेन होता है, तो कंप्यूटराइज मेंटेनेंस होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता है, कहीं 3 डिजिट का होता है, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3-2, इससे हमें पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है उसका वायर इनमें कहाँ है, अदरवाइज पहचान करना। अब कैसे पता करेंगे, जैसे 4-3-2 वैसे लिखा है, तो 4 का मतलब है राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1-2-3-4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा। ठीक है, उसके बाद 3 का मतलब 1-2-3, यानी इसमें आ गया वो जो वायरिंग है, इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है। ठीक है, तो एक टैग ब्लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1-2-3-4 ही लिखा हुआ है। तो अगला है 2 पे 1, यानी कि दूसरे वाले में। पहला इस पे भी आप नंबरिंग देखेंगे 1-2-3 का, तो इसके पीछे जो वायर है एक, वो चीज़ आप पहचान गए। तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हम आराम से पहचान। तो MDF में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सबकी वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा होगी। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता था, सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है। ठीक है, तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो ऑपरेटर बैठते थे वो दोनों आपस में मैनुअली जोड़ देते थे, इसको बोलते स्विचिंग करना, स्विच करना टेम्प्रोरी भी सकते, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं कि क्या आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता था। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रो मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, आज के ज़माने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया, सॉफ्टवेयर काम वही हो रहा है, चीज़ें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पे जाएगा, कस्टमर का वायर यहाँ आ गया, हम यहाँ से स्विच रूम में जाएगा जहाँ पे 2 लोगों को बात में कराना, अगर इसी वायरों में है तो लोकल कॉल कराएगा, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, वो भी हम आप लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। तो ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारी वायर इकट्ठी होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा। ठीक है, धीरे से हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आ जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, स्विच रूम होता है यहाँ पे, जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता क्योंकि अब चीज़ें भी खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीज़ें हमारे पास में आ गई आप सिक्योरिटी। तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में, याद है इनिशियली जब हम लोग नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम, क्योंकि अब चूंकि चीज़ें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं IP स्विच, आप पीछे से इधर आएंगे तो एक रैक मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये आप ये जो वायर है वहाँ से MDF से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आ गया हमारे पास में। ठीक है, सारे कस्टमरों का वायर आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करते थे उस जमाने में, पहले आज से 20 साल पहले, काफ़ी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ, 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे और एक पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे। ठीक है, वायरिंग
कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन आठों का ग्रुप बनाते थे, 8, 16, 24 एक्सेट्रा, और नवली 8 का ग्रुप है, ठीक है, यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्पीच रूम है, ये जो ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर कोई टेलीफोन नहीं है क्योंकि जमाना बदल रहा है, लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें लगा हुआ स्विच रूम में, तो पहले इंसान जोड़ते थे, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा, हमें पता नहीं चला लेकिन काम वही हो रहा, ठीक है। तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया, ठीक है। अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन हिस्से में भेजेगा, आपको याद आ रहा होगा, जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डिटैच में भेज देता था। तो डिटैच में भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा पीसीएम वायरिंग के कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है, ठीक है, जैसे पीसीएम वायर नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग, तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है, अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। अब तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो उसमें आपको पता ही नहीं चला कब इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। तो चीज़ें थोड़ी अपडेट हो रही है, ठीक है। तो ये अब इसको हम फ्रंट में देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए। अब जो काम हो रहा है प्रोसेसर है, लोकल का नहीं जोड़ देगा, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा, नहीं बोलेंगे पीसीएम कार्ड, क्या बोलेंगे पल्स मॉड्यूल। आज के जमाने में ये यूज होता है, ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी, लेकिन आने वाले टाइम में और आईपी स्विच हो जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, सब सॉफ्टवेयर बेस में एक आईसी आएगी, आईसी के अंदर सारा काम, ये वायर सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप पहले देखो, पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठते थे तो आपको दिखाई जा रहा है ये मिस्टर ए मिस्टर बी से मिला रहा हाथ से, अब वो चीज हमें दिखाई नहीं देती, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है क्योंकि अब घर में एक ही पेड़ से सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। जब आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना, कहाँ दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है, ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा, ठीक है। अभी को हम फ्रंट से देखते, पीछे देखने में आपको ऐसे दिखाई देगा, ये वाला दिखाई, ये हमारा 6 सितंबर 1999 का हुआ, ये कितना पुराना हो गया, 21-22 साल पुराना लगा है, तो कितनी बड़ी चीज रही होगी, ठीक है। और ये कार्ड जो है, एक एक कार्ड में 8 कस्टमर है, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा था मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। और ये कंप्यूटर में जो कुछ ऑपरेशन होता है यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग होती है, ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी है, अब तो चूंकि सब ने अपने पास खुद ही रख लिया, नया जमाना आ गया, तो इनकी कैसेट रिकॉर्ड होती थी, कौन कितने कॉल कर रहा है सारी रखे जाते थे, रिकॉर्डिंग जो सारी सारी बिल्कुल, ठीक है। अगर कोई क्राइम होता था तो बकायदा FIR दर्ज होती थी, तो बुलाते थे तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव उस पर भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने 6 महीने साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाती थी फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं, पड़ा रहता था, अब तो उतना कस्टमर नहीं होता था, अब समय के साथ। अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है, अभी भी है, ऐसा नहीं है, हर चीज़ का बिल्कुल अभी उसमें कर देते हैं, उसमें कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उससे ये बोलेंगे पीसीएम, ये सब वायर है, कॉपर वायर है आपके पास में, फिर ये कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का काम होगा मेन एक्सचेंज भेजने के लिए। तो हमारा जो तीसरा रूम ट्रांसमिशन रूम है, जो फ्रंट में है, हम वहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन सर, इसकी लाइफ आदि आदि ले लीजिएगा भी करा देंगे। ये हमारा ट्रांसमिशन रूम है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वायर आ रहा है एक वायर आया, ठीक है ना, कि हमारा पीसीएम कॉन्सेप्ट भी होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप दिखाया, अगर 120 कस्टमर है तो ऐसे 4 पीसीएम हमारे पास में आ जाएंगे, क्योंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा पीसीएम यहाँ इकट्ठा हो गया। अब इसका ये वही सिस्टम है, इसमें दो चीज़ें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे, इसमें दो चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर इनको आपके जमाने में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है। ये देखिए, ये क्योंकि इसकी जगह पे नया आ गया, क्योंकि इसमें भी देखो वायर दिख रहा था सारा, अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर भी दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना, नई आसी वो चीजें छोटी होती चली जाएंगी, तो ये आपका जो फाइबर है यहाँ पे इकट्ठा हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। ये वायर, एक वायर वहाँ से आया स्विच रूम से, अभी ये एक ही में सारा आ गया पूरा, ठीक है। अभी एक चीज़ को फाइबर बदल दिया, अभी ये फाइबर हमारा निकल के ये वायर इस साइड से नीचे नीचे ऊपर से आया, ऊपर ये वाला जो है ये पीछे ये वाला इस टाइप का है, तो कस्टमर का वायर आया, अभी पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट हो गया। अब इतने सारे का एक छोटा सा फाइबर में कन्वर्ट होगा, एक ही फाइबर ये तुरंत मेन एक्सचेंज को भेज देगा, जब मेन एक्सचेंज चले जाएंगे वहाँ पर भी रिटर्न, फिर पीसीएम, फिर स्विच रूम डिसाइड करेगा कहाँ का है,
किसी और स्विच रूम का तो वहाँ भेजेगा, किसी लोकल टेलीफोन एक्सचेंज का तो लोकल टेलीफोन एक्सचेंज में भेज के एमडीएफ के माध्यम से जोड़ देगा, या फिर वो फिर टावर के माध्यम से मोबाइल से जोड़ देगा। तो ये इसका पूरा का पूरा एक पाथ होता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन क्लियर हो गया? पाथ कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपका चलता है, राइट। ये पूरा फाइबर, आप फाइबर जो घर तक, अभी क्या जो आप वायर देख रहे थे, अभी घर तक आदमी कस्टमर कैसे जुड़ा हुआ है, या तो मोबाइल टावर से जुड़ा हुआ है या तो कॉपर वायर से जुड़ा हुआ है। अभी पूरा का पूरा चेंज हो रहा है फाइबर में, क्योंकि ये जो कॉपर वायर है इसकी अभी भी स्पीड मैक्सिमम 24 Mbps से ज़्यादा स्पीड नहीं सकते। अब तो जमाना बदल गया ना, कहें Gbps में स्पीड चाहिए, मोबाइल टावर से जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही। तो फिर ऑप्टिकल फाइबर, ये जो हमारा फाइबर है, इसकी मदद से हम लोग घर पर पहुँचाएंगे फाइबर टू द होम। जीजा फाइबर है, जो भी नाम से कंपनियाँ भेजे, सीधा मतलब है फाइबर घर तक ही हमें। जैसे मोबाइल से टावर पे आते हैं नेटवर्क, फिर टावर से सीधे ज़्यादातर फाइबर, हाँ वो भी वही स्विच में आएगा। ये जो वायर था ना MDF वाला, वही तो आपको वायरलेस किया आपको। अच्छा, आप लैंडलाइन में क्या था, पूरा घर तक जोड़ दिया। 5-6 किलोमीटर नहीं होती है, तो 5 टावर के फायदा होगा ना, 5 किलोमीटर मुझे वायर नहीं बिछाना पड़ा। अलग कॉपर वायर में क्या, 5 किलोमीटर तक हमें केबल डालना पड़ रहा था, तो वही चीज चेंज हुई है, बाकी सब फाइबर है, ठीक है ना। कहीं भी वायरलेस नहीं है, समुद्र में भी आपका फाइबर है, मैंने आपको पहले दिन वीडियो दिखा, आप दोबारा देखना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी जाना, सब फाइबर ही फाइबर फाइबर है, सब वायर है। वायरलेस तो कुछ नहीं है, वायरलेस तो खाली टेम्पोररी व्यवस्था है कि लोकल कस्टमर के घर में ताम झाम ना बनाना पड़े, या वो ऐसी जगह जहाँ हम ये नहीं डाल सकते वहाँ पर टेम्पोररी बेसिस पे हम लोग यूज करते हैं। जैसे हिमालय के बहुत सारे एरिया है जहाँ पे हम लोग वो नहीं कर सकते, फाइबर नहीं डाल सकते, तो वहाँ पर हमने माइक्रोवेव यूज किया, लेकिन प्रॉब्लम वही है आंधी बारिश तूफान, तो वजह स्टेबिलिटी लानी है तो आपको फाइबर इस्तेमाल करना है आज की डेट में फिलहाल, तो ये ठीक है। एनी कोई डाउट एनी क्वेश्चन यू कैन नॉट, अदरवाइज वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। इसमें Aswani, are you asking about in MDF room, there is the black box below that one main rack, okay. Okay. In MDF room, the all block, black, white, all are the similar. Only black box, that means ki old box, okay. So just like mobile phone, earlier mobile phones and different, different types of look like, but... All mobile phone are the similar manner, same purpose. So this box is in MDF room. These all box are the same. There is no problem. Similar, okay. And second question is that because I notice you using the terms such as register memory. Where notice this question, Aswin? Sir, in the MDF room, when you are explaining this boxes, I noticed the keywords register your memory for the numbers, number allocation. Oh, no. In MDF? In MDF, what is in MDF? In MDF, all nearby 5 to 6 kilometer customer will be their wire is in the MDF. Okay. So how to identify which wire for which customer? So for this purpose, in old time, we have maintained notebook. Register means notebook. Okay. Copy, hard copy, like hard copy. That not electronic register. Okay. And in notebook earlier time, one person dedicated in the MDF, in charge of MDF, just write down wire number, telephone number, and their location. Look like this. Okay. In this case, it just in the here register, that means ki copy page. Okay, copy. Okay, diary. You can make as a diary. So this is a telephone number of the customer. This is the 4321, ठीक है ना। तो दिस इज अ बेसिकली NE नंबर, NE मतलब नंबर ऑफ इक्विपमेंट, दिस टेलीफोन नंबर वेयर इज कनेक्टेड। ओके, फोर नंबर, देयर आर ए लॉट ऑफ रैक इज हियर, हियर ए लॉट ऑफ रैक, तो व्हिच वायर रिलेटेड टू व्हिच टैग ब्लॉक, कौन सा वायर किस टैग ब्लॉक में, हाउ टू आइडेंटिफाई, help of the this identification, suppose 5 4 3 2 1, the from left hand side, from left hand side, this is the rack number 1, this is the 2,
दिस इज द थ्री, दिस इज द फोर, तो फोर डैश थ्री डैश टू डैश वन, तो फोर मतलब फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड राइट, फोर नंबर रैक, नाउ थ्री फ्रॉम बॉटम टू अप, वन, दिस इज सेकेंड नंबर टैग ब्लॉक, थर्ड नंबर, दैट मीन द थर्ड नंबर इज टैग ब्लॉक. नाउ इन द टैग ब्लॉक in this tag block also numbering here 3 to next digit is the first is the 4 4 3 2 1 so the if help of the 4 3 easily identify which tag block related to the that customer that telephone number. Okay, now 2 dash 1, so second is this is numbering 1, this is the 2, this is the 3, this is the 4, 5, here is the numbering, and it also this is the one block is the for one pair, one customer. So again here numbering 1, 2, 3, 4. So that is second number is the second number, this is the row. And the first number is the, here is wire. Suppose here 5. So that is the second row, 5 number wire. So here is the wiring is just inbuilt here, 5 side. So easily identify which wire is connected to the that number. Okay. अब आपको समझ में आ गया कौन सा वायर किस कस्टमर से है उस टैग ब्लॉक में. डजंट मैटर व्हाट इज द कलर ऑफ द टैग ब्लॉक, ऑल टैग ब्लॉक इज द सिमिलर. ओके, करंटली सच टाइप्स ऑफ टैग ब्लॉक इज मोस्टली अवेलेबल इन द बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज, बट इन द मॉडर्न टेलीकॉम नाउ लाइक फाइबर टू द होम, इन द करेंट सिनेरियो ऑप्टिकल कॉपर वायर कंप्लीटली चेंज बाय द ऑप्टिकल फाइबर. Time is change. Earlier used the copper wire. Optical fiber is a similar in manner. Same type methodology we use for the identification which fiber related to the which customer, which area. Okay. Now. Aswani, now okay. यानी कि दूसरे बार. Yes, sir. And you explained. Yes, sir. Second is that. Sir, after the gray boxes, above there is one common rug, right, sir? There is one common rug. This is the. In the video. Which location? You can run the like. Number mila, uska number hai nahi. Yes, sir. In that this tag which you. Yes, this is the basically this is the wire, only wire. Here is nothing. Termination of all customer wire here. This above, sir, above this gray, there's one board, one long one, white, this one, sir. I don't know, is there any, next to your neck, sir, your shoulder here. Go further that switch room, na? Next is the, from this wire, this is the, yeah. This is a traditional method, na? Okay, you are just marking adjustment. One minute. You marking about this one? Okay, this is nothing actually. Earlier telephone rack will start from the this location in the old time, but timely. Here more switch room added in this room. जब आपको ज्यादा switch room यहाँ पे लगाया गया तो ये additional tag block will be added here. So this is the Jugaad technology. Jugaad that means की temporary basis, alternate, not in the proper manner. But before this back, this is a proper first rack, second rack, third rack. Okay. So numbering method is in the black tag block, number system arrangement at the old concept. But after this coming, I just explain here in the current scenario. Current scenario this like is 4-3-2-1. जो ये लिखा ना पहले था old में, पहले row में. This is first is the first row. Numbering start from the in old before this concept, left hand to right hand side. So that time the first rack, number of this is the tag block is the 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. It old. Okay. And above of this.
just before this b suppose 8/2 this is same concept same है वो पहले था उसको हमने बताया मैंने अभी आपको बताया current time में बताया और this is a current situation के हिसाब से as per this is the distribution of the number and telephone number दोनों समान है कंफ्यूज मत होइए ठीक है ना नंबरिंग का एक कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया सेम कॉन्सेप्ट ब्लैक वाले में पहले भी था अर्लियर भी था ठीक है बट टाइम विल बी चेंज टाइम बदला हमने ये नया टैग ब्लॉक लगाया बट देयर इज द नो स्पेस अवेलेबल इन द एमडीएफ तो हमने टेम्पररी होता क्या है ना एक एक एग्जाम्पल बताऊं इंजीनियर की खासियत केवल हॉस्टल के रूम में ही नहीं होता वो अपने वर्किंग प्लेस में भी होता है ये आप हमेशा याद रखिएगा चाहे कितना भी आप एक्सपर्ट हो जाए फॉर एग्जाम्पल इन द कॉलेज डे हम लोग जब फर्स्ट टाइम मुझे रूम मिला तो वी हैव द टू पार्टनर इन द रूम ठीक है तो फर्स्ट डे वेरी फर्स्ट डे कि इन माय रूम प्रॉपर बेड प्रॉपर टेबल मेज टेबल एंड चेयर्स एंड प्रॉपर अलमीरा ओके तो प्रॉपर तरीके से था ईच एंड एवरी बुक इज द प्रॉपर मेंटेन एंड पुट देयर लोकेशन उनकी सब लोकेशन ठीक है बट आफ्टर सम डेज कुछ दिनों के बाद क्या होता है इंजीनियर का जूते चप्पल कपड़े लत्ते ठीक है ना योर शूज क्लॉथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ योर रूम सब इधर उधर फेंक दो कुछ दिन के बाद अगर किसी बिना बताए अगर मेरे फादर ना मेरे घर आ जाते हो कभी कभी हॉस्टल में आ जाते थे ना कहते थे कि इंटर में देखो ये लड़का कितना हर चीज प्रॉपर तरीके से रखता था किताबें एकदम सही जगह होता था बुक्स भी सही जगह होता था कपड़े भी सही हो अब देखो कपड़े कहीं और फेंक रखा है जूते चप्पल कहीं और फेंक रखा है मतलब उस हॉस्टल में आप बुला नहीं सकते किसी को भी तो सेम चीज है अर्लियर वेरी वेल मैनर दिस आल जो है बड़ा प्रॉपर तरीके से बनाया गया लेकिन जब ये जगह भर गया तो इंजीनियर ने कहा क्या करें नया सिस्टम नहीं लगाते हैं हम देखो ये वाला जो रैक है ना ये अननेसेसरी तरीके से लगा दिया बीच में अरेंजमेंट किया ये बल्कि गलत लगा है ठीक है लेकिन पैसा इतने तो मिलते नहीं कि हम एक और रैक खरीदें एक और कमरा लगाएं उसी में चलाना है तो लगा दिया नीचे वाला ठीक है ये नीचे वाला दैट इज गुड नो प्रॉब्लम बट ये जो रैक है अननेसेसरी लगा दिया ठीक है तो पहले जो ब्लैक वाला लेफ्ट टू राइट फॉर्मेट था बट करेंट टाइम दिस टाइम अगर आप जाएंगे तो बिलो आपको राइट टू लेफ्ट एंड बिलो टू अप बिलो टू अप उसमें भी है 1-2 कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ओके अब हम आते हैं थोड़ा सा फर्दर आगे बढ़ते हैं नहीं तो वहीं पे गाड़ी रुक जाएगी बंद कर देते हैं इस वीडियो को अगेन आप चेक कर सकते हैं कोई दिक्कत ओके कल मैं थोड़ा सा और बात स्पीच रूम हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पीच रूम हो गया लोकल स्पीच आपका देन आफ्टर अब जो स्पीच हो गया आपका डीटैक स्पीच डिफरेंट टाइप डीटैक स्पीच आपकी अपनी कंपनी का भी हो सकता है दूसरी कंपनी का भी हो सकता है मोबाइल स्पीच एनएल सीडीएमए स्पीच इट इज आल्सो अवेलेबल टिल टाइम नाउ आफ्टर सम टाइम बोथ स्पीच ऑल स्पीच मर्ज इन द सिंगल टाइप्स ऑफ स्पीच दैट इज द राउटर एंड अनदर स्पीच इज द डेटा स्पीच तो डिफरेंट बट ऑल स्पीच इज द सिमिलर वर्ल्ड सभी स्पीच का कॉमन काम है टेम्पररी बेसिस टू डिफरेंट यूजर कनेक्टेड ठीक है पावर प्लांट के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कशन ठीक है ना व्हाट इज द मेंटेन हाउ टू 24 आवर पावर सप्लाई ओके ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ये भी अभी आपको भी नहीं बताना है बाद में बताएंगे ये चलिए हम कल डिस्कस करते हैं अभी मैं आपको एक थोड़ा सा चीज और डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा उसमें डिस्कशन में चला गया चलिए एक जस्ट लुक लाइक देखिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पुराना नेटवर्क और नया नेटवर्क में क्या अंतर है पहले तो इस समझो क्योंकि कंफ्यूजन इसी बात का टेलीफोन लाइन पुराने टाइम में ओल्ड लाइन इज नोन एज द टेलीफोन लाइन नाउ जो पुराना टेलीफोन लाइन है उसका नाम बदल गया लाइन वायर वही है उसका नया नाम है आपका डेटा नेटवर्क या इंटरनेट लाइन ठीक है तो जस्ट लाइक यू कैन सी आप यहाँ पे देख सकते हैं इन द ट्रेडिशनल एंड ओल्ड नेटवर्क ओनली पुराने लाइन पे हम लोग केवल बात कर पा रहे थे और डे बाय डे हमने कुछ इंटरनेट भी हमने दिया तो बहुत ही स्लो मोशन में दिया वैल्यू एडेड सर्विसेज एडेड एंड समय समय जो आज का नेटवर्क है जिस पे आज बात कर रहे हैं बेसिकली इसे हम लोग डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क बोलते हैं
इसमें करंटली आप इस नेटवर्क पे वीडियो ऑडियो और मल्टीमीडिया फॉर्म कुछ भी हो सकता है, टैक्स वीडियो जैसे जूम जूम लाइव मीटिंग दिस टाइम, ये सारा कॉम्बिनेशन है, वीडियो भी है आपका, टीवी हमने जो हमारा जो लैपटॉप स्क्रीन है वो भी आप देख पा रहे हैं, साउंड भी जा रहा है, टैक्स भी जा रहा है, ठीक है ना। ट्रेडिशनल नेटवर्क वर्स करंट नेटवर्क में एक बहुत ही चीज़ कॉमन है, सब कुछ समान होगा, बस नामों का हेर फेर होगा, नेम विल बी डिफरेंट, वो हमने यहाँ कंपेयर किया हुआ है। टेलीफोन लाइन अभी हम क्या बोलते हैं, डेटा नेटवर्क, ठीक है। यानी अगर आप टेलीफोन कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाए आज की डेट में, तो उसी लाइन को हम लोग NIB-1 बोलेंगे, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1। ओल्ड टेलीफोन लाइन जिसपे हम लोग इंटरनेट दे रहे हैं, BSNL का जितना भी लैंडलाइन का ब्रॉडबैंड है पुराना वाला, वो सब NIB-1 कहलाता है। BSNL का जो 3.5 अगर इंटरनेट अभी भी आप यूज कर रहे हैं, वो सब NIB-1 नेटवर्क के ऊपर है, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1। यानी टेलीफोन लाइन जो अभी हमने लाइन डिस्कस किया, वी ऑलरेडी डिस्कस फर्स्ट लाइन, ओके। NIB-2 नया लाइन इन 2005 और 2006, 2005 और 2006 में हमारे प्रधानमंत्री थे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एक नई लाइन, उन्हें सलाह दिया गया सैम पेट्रोडा के बारे में, ऑलरेडी वी डिस्कस, तो उनकी सलाह पे उन्होंने, सैम पेट्रोडा ने कहा कि आप इंडिया में हर घर में आप इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आपको पुरानी लाइन से काम नहीं चलेगा, आपको नई लाइन बिछानी पड़ेगी। तो इन 2005 स्टार्टिंग एंड 2006 यानी एक डेढ़ साल के अंदर ही हमने पूरी नई लाइन बिछा दी, जो राउटर बेस है, ठीक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो हमें बोलते हैं NIB-2। तो आज की डेट में जो जियो की लाइन है पूरा का पूरा NIB-2 है, BSNL भी उसको मेंटेन तो ही कर रहा है, बट BSNL पुरानी भी लाइन है और नई भी लाइन है। एक फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछूं, आप में से कोई अनम्यूट कर सकता है, एनीबॉडी, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अश्वनी चलिए। यस सर। सपोज यू परचेज ए लैपटॉप, आपने एक लैपटॉप परचेज किया, ओके, और घर पे आए और 50,000 कॉस्ट है इंडियन रुपीज में, ठीक है, और आपके दोस्त हैं रूममेट हैं, वो कहते हैं कि टीवी खोलिए, ठीक है ना, ओपन योर टीवी, और आपने बढ़िया लैपटॉप लाए, 50,000 कॉस्ट इस लैपटॉप का, 50,000 रुपए का बढ़िया एक लैपटॉप मिल गया कम पैसे में, लेकिन मिल गया, और टीवी खोलते हैं, ठीक है। तो हमारे टीवी पे हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मित्रों, आर यू नो ना मित्रों, डियर फ्रेंड्स, मित्रों, ये जो अश्वनी जी ने राउटर जो आप सॉरी लैपटॉप खरीदा है, फ्रॉम टुडे आज से सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, व्हाट इज योर रिएक्शन, आपका क्या रिएक्शन होगा? रियल रिएक्शन, जस्ट एक्सप्लेन। नो रिएक्शन सर। नो रिएक्शन, आपको कोई दुख नहीं होगा, दिस लैपटॉप इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एक घंटे अगर आप रुक जाते। I will just take it and go, sir. Okay, just okay. कहाँ? बिल्कुल ठीक। आपके देखिए, आपने लैपटॉप लिया, आप लैपटॉप आपने खरीद लिया, तो डेट लैपटॉप ही आपका अपना हो गया, क्योंकि 50,000 आपका, वो लैपटॉप की कीमत 50,000 है, आपकी वो वैल्यू वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने इस बात को क्यों लिया, मैंने इस बात को लिया कि जब से टेलीफोन स्टार्ट हुआ, जब से अंग्रेजों ने स्टार्ट किया और आज तक, जो लाइनें जमीन में बिछी अरबों रुपए की, बिलियन मिलियन एंड बिलियन अमाउंट ऑलरेडी केबल लेइंग इनसाइड द ग्राउंड एंड टावर, उसे आप उखाड़ के नहीं फेंक सकते, ठीक है ना, आप उसे नष्ट नहीं करते, डिस्ट्रॉयड नॉट पॉसिबल इमिडिएटली, जस्ट लाइक जैसे कि आपने लैपटॉप खरीदा, 2-3 साल यूज करेंगे, तो उसी तरह से जो भी लाइने हैं, जो भी केबलें बिछी हैं, BSNL एकदम से उखाड़ के नहीं फेंक सकता। रिलायंस की लाइने सारे NIB-2 में इसलिए है कि उसने सिर्फ बाकी लाइन तो हमारी यूज कर रहा हो, ठीक है, ऊपर आपकी जो लाइने हैं वो नया लगाया उसने, तो लोगों को लगता है कि उन्होंने नया लगाया, बट जब 5G आएगा, इट इज नॉट ईजी, उसके लिए वो आसान नहीं है कि उसे उखाड़े, 3 लाख रुपीज, 3 लाख करोड़ रुपीज, दिस इज द डेप्ट है आपके रिलायंस के ऊपर, वो नहीं एकदम सुधार फेज, उसको पैसा चुकाना है लोगों, आप ही लोगों से खरीदना है, अभी इसको मुनाफा दिखा जरूर रहे हैं, लेकिन वो पैसा चुकाने में अभी इसको 15 कम से कम 15 साल लगेंगे,
लेकिन अभी 5G तो अभी आ रहा है, तो फिर इतना खर्च करवाए नहीं, ज्यादा ज्यादा मुश्किल से थोड़ा और पैसा लोन लेगा, बैंक इतना पैसा देने वाली नहीं है, दे चुका एक बार, एक दे दिया बहुत है। तो जो भी कंपनी नया बिछाएगा वो हीरो बनेगा नो डाउट। तो वही कहना है कि NIB BSNL के पास है, अब BSNL जो नई लाइन अब बिछा रहा है वो अपने आप में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होगा। उम्मीद है कि दिसंबर 2025 तक अब अगेन जो आपका BSNL की लाइन जो कस्टमर को दी जाने वाली है वो सबसे बेस्ट होगी। जब 5G आ जाएगा MTNL और BSNL द फर्स्ट कंपनी होगी जो पहली बार 5G आपको देने जा रही है। बाकी बातें जरूर कर रहे हैं, बातें करना, और जैसे कि रिलायंस है उसने कभी 4G दिया नहीं, आर यू नो कि रिलायंस नेवर गिवन द 4G, फिर क्या है, उन्होंने वोल्टी दिया है, 4G नहीं है वो, वोल्टी और LTE सिस्टम है 3.95G। हाँ जी सर, ओके ना, देखिए अब उनको बोला रिलायंस, लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग थी क्योंकि बाकी BSNL के पास 3.5G था, अदर ऑर्गेनाइजेशन के पास भी 3.5G था, एयरटेल के पास था, लेकिन डेफिनेटली जब कोई नई चीज आती है और सपोर्ट करके उसके रेट आपको रेट कम मिले, आसानी से आपको मिल जाए, तो कस्टमर तो भागेगा ना। तो यही हुआ और लोगों के दिमाग में सेट कर दिया दिस इज द 4G, बस रिलायंस ने कभी 4G दिया, लेकिन BSNL का 4G अभी भी देने से रोक रहे हैं, क्योंकि BSNL रियली में 4G देने जा रहा है। और अगर वो 4G लॉन्च कर दिया, अभी वो दे रहा था, बोल दिया चाइना वाले से मना कर दिया, क्योंकि BSNL के सारे सामान अभी सारी कंपनियों के चाइनीज लगे हैं, रिलायंस का सारा जो सिम है ऑल इज द चाइनीज, लेकिन वो कहता है कि हमने चाइनीज दिया ही नहीं। अगर इतने ही देशभक्त हैं तो सबसे पहले सबको सिम फेंक देना चाहिए, कम्युनिकेशन भैया तुम इंडियन सिम खरीद के लगाओ पहले, ठीक है, लेकिन वो है कि नहीं मैंने जो एक्सचेंज बनाया वो मेरा उसका है, दूसरी कंपनी का, उसमें मेरा कोई चाइनीज नहीं है, लेकिन जो सिम है 100% चाइनीज है, जितने BSNL सिम यूज कर रहे हैं जो भी इस वाले जियो का, तो ये सब मैटर चलता रहता है, ठीक है। अब जो 4G या BSNL का जब लॉन्च होगा प्रॉपरली, अगर लॉन्च हो जाए, रोज चलता है, गवर्नमेंट 2 साल से कह रही है लेकिन कर नहीं रही, लेकिन जिस दिन कर देगा ना ईच एंड एवरी कस्टमर के पास आसानी से पहुंच जाएगा उसका, ठीक है। चलिए ये NIB2 हम डिस्कस करेंगे, टेलीफोन नंबर नाउ, आज की डेट में टेलीफोन नंबर, मेरे पास नंबर है, आपके पास नंबर है, टेलीफोन है, आपके पास टेलीफोन है, मेरे पास टेलीफोन है, मुझे अगर आपसे बात करनी है तो इंसान टेलीफोन नंबर डायल करेगा। आप बहुत ही अच्छे इरा में जी रहे हैं कि आपको भी नंबर डायल करने की सुविधा मालूम है, क्योंकि इंसान नंबर डायल करता है और इंसान डेसिमल नंबर को समझता है, लेकिन जमाना बदल रहा है। आप मेरे पिछले 2 सेशन देखे होंगे, उसमें आपने समझ गए कि आने वाला समय में मशीनें आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं। तो जब मशीनें आपस में एक दूसरे से बात करेंगी तभी संभव है जब अपने मशीन के पास भी कोई टेलीफोन नंबर हो, सामने वाले मशीन के पास भी टेलीफोन नंबर हो। और टेलीफोन नंबर का जो नया वर्जन है उसे हम लोग IP एड्रेस कहते हैं, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज IP एड्रेस, ठीक है। यानी बिना IP एड्रेस का कोई भी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। अगर मैं यहाँ पे आप बैठे हैं, आपके मोबाइल में भी IP एड्रेस है, सामने वाले के पास भी IP एड्रेस है, तभी आपस में एक दूसरे से बात कर पा रहे, क्योंकि मशीनें बाइनरी नंबर को समझती हैं। तो बहुत ही सिंपल भाषा में टेलीफोन नंबर का न्यू वर्जन, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज IP एड्रेस, अदर लैंग्वेज में कह सकते हो द बाइनरी फॉर्म ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज IP एड्रेस, क्योंकि कंप्यूटर जो भी आपका स्मार्ट डिवाइस है, स्मार्ट का मतलब आप समझ गए, ऑल आर स्मार्ट होना है सभी को, तो स्मार्ट जो डिवाइसेज हैं वो सब आप बाइनरी नंबर को ही समझ पाएंगे, उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए IP एड्रेस चाहिए ही। तो कल मेरा जो टॉपिक होगा IP एड्रेस पे होगा, और अभी जो एक थोड़ा सा छूट गया है PCM का वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, आज मैं थोड़ा कम रख रहा हूँ, ठीक है। यानी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं अभी, ये हम कल डिस्कस करेंगे नीचे वाले पोर्शन को सारे। मोर क्वेश्चंस है, आल्सो कनेक्शन स्लाइड इज स्लोअर इन ओल्ड नेटवर्क कंपेयर टू करंट नेटवर्क, ओल्ड नेटवर्क में और करंट नेटवर्क में, नेटवर्क में नेटवर्क की वजह से कभी स्पीड स्लो नहीं होता, अश्वनी स्पीड जो स्लो होता है टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। लैंडलाइन में जो ब्रॉडबैंड जो लगा हुआ है अगर बात करें तो उसकी टेक्नोलॉजी ADSL2+ है, जिसकी स्पीड आज के 4G सेवा से भी ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप एक कैसे कह सकते हो कि करंट नेटवर्क में सस्ता है, तेज है या, हाँ करंट नेटवर्क में इजी फिजेबल है, ये पॉसिबल है कि आसानी से आप इंटरनेट दे सको। एक कस्टमर के लिए ओल्ड नेटवर्क और नए नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है उसका, ठीक है।
ठीक है, लेकिन अगर कोई मुझे ये कहता है कि मुझे 100 Mbps का स्पीड चाहिए, तो ट्रेडिशनल नेटवर्क यानी जो पुराना स्विच है और ट्रेडिशनल नेटवर्क है, तो उस पर हम 100 Mbps का स्पीड नहीं दे सकते। 100 Mbps के लिए मुझे नए लाइन पे डाइवर्ट होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कस्टमर कौन सी स्पीड ले रहा है इसके ऊपर भी निर्भर करेगा, लाइन के ऊपर निर्भर नहीं पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर करेगा। आर यू अंडरस्टैंड, दिस डिपेंड ऑन द, हाँ, लिमिटेशन इज अवेलेबल। आप ये कह सकते हो कि ओल्ड नेटवर्क पे अभी जो भी लगा है उस पे मैक्सिमम 24 Mbps का, 24 Mbps का स्पीड से लिमिट है, अगर उससे ज्यादा देना है तो नया है। लेकिन एज ए कस्टमर आप हैं, आपने भी 8 Mbps का स्पीड ले रखा है, तो आपको मैं पुराने लाइन पे भी दे सकता हूँ, नए लाइन पे भी दे सकता हूँ, तो आपको तो कोई परेशानी नहीं होना, क्योंकि तो इजीली दिया जा सकता। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इफ यू वांट मोर देन 50 Mbps स्पीड, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ओल्ड नेटवर्क। ओके, तो देयर इज नो कंपेरिजन बिटवीन स्पीड स्लोअर एंड हायर। ओके, इट स्पीड डिपेंड टेक्नोलॉजी। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? ठीक है, कल हम लोग, हाँ पूछना है? यस, नहीं सर, कुछ नहीं, बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, और अच्छे से बात करेंगे। ओके, थैंक यू टू आवर टुडे ज्वाइनिंग, थैंक यू वाला, थैंक यू सर।